हेयर इज आफ्ताब लियाकत, एजीपी नर्सरी फार्म पत्तोगी से। आज जो है, जैसे कि ये मेरे पीछे कैक्टस पड़ा हुआ है, मैं कैक्टस को ग्राफ्ट कर रहा था, तो सोचा एक वीडियो आप लोगों के लिए भी बनाई जाए कैक्टस की ग्राफ्टिंग के लिए। ये एस्ट्रोफाइटम कीको है, बेसिकली ये मैंने अभी एक पॉप्स तोड़ा है। पॉप्स हम कहते हैं छोटे बच्चे को, बेबी प्लांट को। ये मैंने एक ग्राफ्टेड प्लांट से इसको तोड़ा है। अब मैं आपको बताऊँगा कि इसकी ग्राफ्टिंग कैसे करनी है आपने। तो ग्राफ्टिंग जो है बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, इसके ऊपर मैं इसकी ग्राफ्टिंग करूंगा। ये ड्रैगन फ्रूट की भी वैरायटी होती है और बाकी सीरस भी होते हैं जिनके ऊपर इसकी ग्राफ्टिंग की जाती है। इंतहाई आसान प्रोसेस है ग्राफ्टिंग का। ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये जिसके ऊपर ग्राफ्टिंग करनी है इसको कट कर लें। ध्यान से ये जो आपका नाइफ है ये तेज़ होना चाहिए, अगर ये तेज़ नहीं होगा तो वो सही तरीके से इसका सेंटर वाला पोर्शन जो है वो कट नहीं होगा और वो डैमेज हो जाएगा। अगर वो डैमेज हो गया तो आपकी कैक्टस की ग्राफ्टिंग नहीं चलेगी। उसके बाद जिसकी आपने ग्राफ्टिंग करनी है, जिसके ऊपर करनी है, इसका पोर्शन और इसका सेंटर वाला पोर्शन आपस में टच होना चाहिए और उसको आपने ठीक तरीके से बिठाना है एक दूसरे को। तो मैं अभी इसको कट करूँगा। इसका जो सेंटर वाला पोर्शन है, इसके सेंटर वाले पोर्शन के साथ मैंने मुकम्मल तौर पे टच करवाना है। आपने इसको बांधना, जब बांधना है जरा दबा के बांधना है ताकि इसके साथ मुकम्मल तौर पे फिट बैठे। अब इसको आपने ना ये मुकम्मल तौर पे एक दूसरे के साथ फिट बैठ गया सही तरीके से। अब आपने इसको धूप में नहीं रखना, अगर आप धूप में रखेंगे तो ये इसकी जो साइड्स हैं ये एक तो अभी कट की हैं, दूसरा ये नाजुक होती हैं, धूप की सेंसिटिव होती हैं, फिर ये ख़राब हो जाएंगी, पौधा जो है वो डैमेज हो सकता है। इसको आपने साए में रखना है कम से कम एक हफ़्ता। एक हफ़्ते के बाद आप इसका धागा खोल देंगे और ये मुकम्मल तौर पर सही तरीके से चल जाएगी।